हमारे गांव में जो सालों से ऐसे ही पड़ी थी जमीन, प्लाट थे जो उनके रजिस्ट्री नहीं थी, बगैर रजिस्ट्री के थे जी, अब उनकी रजिस्ट्री हुई है, इससे गांव के लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। 70 गज की क्या कुछ लाभ मिलेगा आपको इसमें? सर बहुत बेनिफिट है, जैसे हम लोग अपनी बैंक के जैसे रजिस्ट्री वगैरह बैंक वगैरह में रख के लोन वगैरह ले सकते हैं, अपना मकान वगैरह बना सकते हैं, उससे पहले कुछ था नहीं प्रूफ हमारे पास जहां हम रह रहे थे, अब कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा हमारा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हर एक आदमी का बेनिफिट। नमस्कार, इस समय हम पंचायत भवन में हैं, आप देख सकते हैं कि गांव रोहेड़िया के लोग हैं वो रजिस्ट्री करवाने आए गए हैं। आपको बता दें कि सरकार ने जो स्वामित्व योजना के तहत जो लाल डोरे के अंदर जो ज़मीन थी, जो लोग जहां बैठे थे पहले वो सिर्फ कब्जा था उनका, लेकिन अब सरकार ने स्वामित्व योजना का लाभ देते हुए उनकी पहले ड्रोन से मैपिंग की, अब रजिस्ट्रियाँ करवा कर उनको मालिकाना हक देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। आज गाँव रोहेड़िया की आप देख सकते हैं कि जो रजिस्ट्रियाँ वो हो रही हैं, जो ग्रामीण हैं वो यहाँ आ रहे हैं। इससे जहां लोगों को अपना मालिकाना हक मिलेगा, वहीं बैंक से लोन वगैरह की जो सुविधा है उसका जो लाभ है वो उठा सकेंगे। आइए ये पूरी क्या योजना है इस बारे में जो यहां अधिकारी हैं मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे कि स्वामित्व योजना वास्तव में क्या है। नमस्कार सर। सर ये जो स्वामित्व योजना है क्या है और किस प्रकार लोग यहाँ कैसे रजिस्ट्री हो रही है? ये जिला विकास से पंचायत अधिकारी के द्वारा जो आदेश फरमाए जाते हैं उसके तहत गांव में मुनादी की जाती है और 20 डिजिट की जो आईडी है वो क्रिएट की जाती है, उसके बाद यहाँ पब्लिक को बुलाया जाता है, 50 सेट कैंडिडेट पर डे जितनी कैपेसिटी है उसके मुताबिक स्वामित्व योजना का लाभ देने के लिए ये योजना सरकार द्वारा चलाई गई है। सर ये जो लाल डोरे की है, लाल डोरे वाले ही सिर्फ आ सकते हैं जो गांव में बैठे हैं? जो लाल डोरा के वही कैंडिडेट आते हैं जिनका ड्रोन द्वारा मैपिंग के द्वारा माध्यम से जो नाम निर्धारित किया जाता है कैंडिडेट लिस्ट के अंदर, तो उन पे जो रजिस्ट्री वगैरह कर रहे हो किस प्रकार जो प्रक्रिया है वो है सर? ये सर ये जिला विकास पदाधिकारी द्वारा जो ग्राम सचिव है उनको आदेश जाते हैं कि जो 20 डिजिट की आईडी है ये क्रिएट की जाए और गांव में मुनादी की जाए, नेक्स्ट डे यहां पर वीडियो ऑफिसर बुलाया जाता है और रजिस्ट्री की जाती है ताकि उन्हें स्वामित्व योजना का लाभ मिल सके। जी सर, इसका कलेक्टर रेट के हिसाब से होती है, वैसी कुछ फीस है गवर्नमेंट की? ये सरकार द्वारा निर्धारित फीस की है, उस फीस के द्वारा ही इनकी रजिस्ट्री की जाती है ताकि इनको स्वामित्व योजना का लाभ मिल सके। सर एक आदमी एक ही प्लाट की रजिस्ट्री करवा सकता है या जितने में वो कब्जे बैठे हो सकती है? जहाँ उनका कैंडिडेट लिस्ट के अंदर नाम है उसके मुताबिक ही उनको रजिस्ट्री दी जाती है, उसके मुताबिक रजिस्ट्री की जाती है। आज जो रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं ये कौन से गांव की हो रही हैं सर? आज रजिस्ट्रियाँ रोहेड़िया गांव की है ये और मालखेड़ी गांव की है जी। अब ये रुपये में कब तक चलेगा सर? सर ये जो आदेश आएंगे जिला विकास अधिकारी से उसके मुताबिक रजिस्ट्री करके जाते हैं यहाँ पर। जो यहाँ लाल डोरे की रजिस्ट्री करवाने आए हैं रोहेड़िया गाँव के पूर्व सरपंच मांगेराम भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि ये सरकार की जो स्वामित्व योजना है क्या है। हाँ जी नमस्कार जी। जो ये गाँव के लोग आए हैं जी लाल डोरे के अंदर थे जी, जो आज से पहले नजायज थे, अब गवर्नमेंट इनको अलाटमेंट कर रही है जी, ये बहुत अच्छी बात है। तो इनकी पहचान कैसे की गवर्नमेंट ने? पहचान ये पटवारी गया था जी, ये लिख के ले आया था गांव में। अच्छा। सबके मकान लिख के ले आया था भाई लाल डोरा में कितने हैं और कितने उसके अंदर हैं जो जी। तो आपके गाँव में कितने के जो लाभार्थी हैं जिन्हें लाभ मिला? ये तो सारे गाँव है जी हमारा, तो टोटली सारे गाँव में। हाँ हर गांव में लाल डोरे की जमीन है? हाँ लाल डोरे की है, जो लाल डोरे के अंदर है नहीं, सारा लाल डोरे के अंदर है जी। अब जैसे रजिस्ट्री होने से क्या कुछ बेनिफिट वो मिलेगा क्या कुछ? वैसे है जी, किसी ने बैंक में तो लोन लेना पड़ जाए मकान का, किसी ने कुछ लेना पड़ जाए, किसी ने कुछ लेना पड़ जाए, अपना काम चला ले, गरीब आदमी ने नहीं पैसा मिले कहीं से बैंक में तो ले लेगा जी। अब मतलब जिसका मकान नहीं थी वो भी लोन वगैरह लेकर मकान बना सकता? हाँ मकान मकान आ सकता, क्यों उसका नाम प्लाट हो जाएगा, प्लाट अपना गिरवे भी रख सके, किसी के अपने गिरवे करके अपना मकान तो बना लेगा जी, जिसके पास नहीं है कुछ जी, दिहाड़ी मजदूर ज़्यादा हैं। हाँ जी नाम जी आपका? मैं तेजबान रेडिया, कलायत मंडल महामंत्री बीजेपी। आज जो ये रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं तो किस आधार पर रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं? ये आधार पर जैसे ऐसे गांव के अंदर जो भी बैठे थे लोग गरीब आदमी उनके पास कोई रजिस्ट्री नहीं थी जी, कोई जैसे बैंक में जाने के लिए कोई बैंक में कोई लोन लेना था कोई है, कोई भी की सुविधा नहीं थी इनके पास। जो गवर्नमेंट ने ये काम कराया है बहुत बढ़िया है कि उन लोगों को अब जमींदार और लोगों पर जिस पर ज़मीन ज़्यादा थी वो बैंक में दे कर रजिस्ट्री लोन ले कर दे, गरीब आदमी का कुछ नहीं मिला था तो गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम करा दी जो गरीब आदमी की रजिस्ट्री बनेगी अब जी। तो उसमें अपने बैंक से लोन भी ले सकता है, अपना कारोबार भी कर सकता है, तो ये बहुत बढ़िया स्कीम है गवर्नमेंट की। आज जो रजिस्ट्री हुई है आपकी कितने गज की रजिस्ट्री हुई है?
हमारी तो देखो गज की अभी हुई नहीं है मेरी तो, लड़का के नाम है जी। मतलब है मेरी गज की 150-200 गज की, मतलब कहीं ना कहीं आम आदमी को जो आम आदमी का बहुत लाभ हो जाए इस बार। ये सभी गांवों में, हर एक गांव के, हरियाणा के सभी गांव के लिए बन रही है। मतलब जैसे आज गांव के 140 घर मकान के रजिस्ट्री वाले बुलवाए थे, उनकी रजिस्ट्री होने लग रही है पंचायत भवन में कैथल। तो बहुत बढ़िया गवर्नमेंट की स्कीम है। जी, नाम आपका? मेरा नाम राजा। आपकी रजिस्ट्री होगी? हाँ सर हो। कितने गज की हुई है? मेरी 70 गज की हुई है सर। 70 गज की हुई है। हाँ। तो क्या कुछ लाभ मिलेगा आपको इसमें? इसमें सर बहुत बेनिफिट है, जैसे हम लोग अपनी बैंक के जैसे रजिस्ट्री वगैरह बैंक वगैरह में रख के लोन वगैरह ले सकते हैं, अपना मकान वगैरह बना सकते हैं। उससे पहले कुछ था नहीं प्रूफ हमारे पास जहाँ हम रह रहे थे। अब कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा हमारा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हर एक आदमी का बेनिफिट। हाँ जी, नाम आपका? फूल कुमार। आप नंबरदार हो? हाँ जी। आज जो रजिस्ट्री हो रही है कौन से गांव की हो रही है जी? रेडिया की जी। तो क्या कुछ प्रोसीजर है जी इनका? जी प्रोसीजर यह है जी, जिसका लाल डोरे के अंदर मकान है उसी का कब्जा है, वह उसका असलियत में मालिक बन जाएगा जी। कितनी रजिस्ट्री हो गई जी? 116 का लगभग होगी जी आज। तो कहीं ना कहीं आम आदमी को बेनिफिट है इसकी? हाँ जी, पूरा लाभ है जी। तो ये हर गांव में होगी जी? हर गांव में। क्या स्कीम है गवर्नमेंट की? ये इसकी ये स्कीम है जी, कल ना लोन लेना जी, मकान बनाना जी, रिपेयर करानी है जी, उसने कई चक्कर नहीं काटने जी, उसके अपना मकान की पूरी वैल्यू हो जाएगी। ये कब से प्रोसीजर है वो चल रहा है? ये लगभग 6 महीने हो गए जी। 6 महीने हो गए चल रहा है। तो पहले क्या कुछ प्रोसीजर हुआ इसके? पहले गांव के अंदर गई हैं जी पटवारी जी, सेक्रेटरी गई हैं जी, पूरे गांव का सर्वे किया है जी। उसके बाद फिर गांव के लाल डोरा के अंदर की जितनी भी जमीन है उसकी सारी का काउंटिंग की है, किसका कितना कब्जा है, कितनी जगह है। ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद रजिस्ट्री हुई हर गांव में। हर गांव में हुई। सोनू देवी। कहां से हुई? गांव रोहड़िया। जो आज ये रजिस्ट्री हुई है तो किस चीज़ की रजिस्ट्री हुई है? ये हमारे गांव में जो सालों से ऐसे ही पड़ी थी जमीन प्लाट थे, जो उनकी रजिस्ट्री नहीं थी, बगैर रजिस्ट्री के थे जी, अब उनकी रजिस्ट्री हुई है। इससे गांव के लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी, अपना कोई कारोबार करना हो रजिस्ट्री के पे लोन लान भी ले सकते हैं, रजिस्ट्री बनेगी इनकी। आपके कितने प्लाट थे? मेरा एक ही प्लाट है जी। रजिस्ट्री हो गया? हाँ जी। मतलब लाल डोरे वाली? हाँ जी, लाल डोरे वाली है। तो इससे कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा? हाँ जी, इसको बहुत बेनिफिट मिलेगा गाँव के लोगों को।